दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे दो स्पेशल कूलिंग फैन का। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, ये वाला एक कूलिंग फैन है और ये वाला एक कूलिंग फैन है। ये दोनों कूलिंग फैन बहुत ही ज़्यादा मशहूर है एंड बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है कोई भी चीज़ का अगर आपको कूलिंग करना हो। ज़्यादातर आप लोग ये वाला कूलिंग फैन को देखा ही होंगे कि सीपीयू कूलिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज इस्तेमाल होता है, सीपीयू के अंदर या कोई भी आप सामान ले लीजिए जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हीट होता है उधर पे इस टाइप का कूलिंग फैन साइज में छोटा बड़ा साइज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा दोस्तों और एक कूलिंग फैन आता है जो इस टाइप का होता है, ठीक है, टर्बो टाइप का कूलिंग फैन है जहाँ पे आपका एयर इधर इस पर क्या होता है कि एक साइड से एयर आता है एक साइड से एयर निकलता है, मगर इसमें इस साइड से एयर आता है और ये साइड से निकलता है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल में एयर को निकल रहा है जहाँ पे यहाँ पे पूरा 0 डिग्री एंगल पे या 180 डिग्री आप बोल सकते हो एंगल पे यार निकल रहा है, ठीक है। ये वाला कूलिंग फैन ज़्यादातर हम लोग जो बहुत कॉस्टली आपका सीपीयू होता है उसमें देख सकते हैं या फिर जो सामान बहुत ही ज़्यादा हीट होता है उसमें हम लोग देख सकते हैं। दोनों फैन का खासियत अलग अलग है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि कौन सा वाला सीपीयू फैन, कौन सा वाला कूलिंग फैन आपको लेना चाहिए अगर आप एक कूलिंग फैन लेने की सोच रहे हो, एंड कौन सा वाला लेना चाहिए आपको ये जैसा कन्फ्यूजन है या बहुत ज़्यादा आपका मशीन हीट हो रहा है, कौन सा वाला कूलिंग फैन चाहिए इसके बारे में कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो में आपको वो पूरा क्लियर कर दूंगा। इसके साथ ये दोनों फैन का एयर स्पीड कितना है वो भी मैं एनिमोमीटर से डायरेक्ट मेजर करूंगा, दोनों फैन ब्लेड का करंट कंजम्पशन कितना होगा, आपका बैटरी कितना ड्रेन होगा अगर बैटरी यूज़ करते हो एंड एडाप्टर यूज़ करते हो तो कौन सा एडाप्टर चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं ये वाला कूलिंग फैन का, ये वाला आपका 3 इंच 3.5 इंच डिफाइन साइज का आता है, ठीक है। तो ये कूलिंग फैन को ऑपरेट करने के लिए आपको सिंपल से 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का एडाप्टर चाहिए एंड इसका हम लोग अभी पावर देंगे एंड इसका एयर स्पीड एंड करंट कंजम्पशन भी मेजर करेंगे। ये है दोस्तों इसका नॉर्मल, इस साइज से हवा निकलता है, अभी देखिए दोस्तों मैंने कोकोरेल क्लिप्स के मदद से एडाप्टर से इसको कनेक्ट किया है। तो दोस्तों अभी देखिए मल्टीमीटर को मैंने कनेक्ट किया है, इधर पे जो रीडिंग आएगा उतना हम इसका कंजम्पशन है, तो मैं जस्ट ये वाला वायर किससे टच करूंगा तो आप लोग देख सकते हो कंजम्पशन 0.46 एम है, 0.46 एम्स, जहाँ पे हम लोगों के इधर पे लिखा हुआ था 0.3 एम्स के करीब, तो कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा है जितना इस पर मेंशन किया है उससे। एयर स्पीड मेजर करने के लिए देखिए मैंने ये वाला फैन से जो एनिमोमीटर का डिस्टेंस है वो करीब मैंने 15 सेंटीमीटर लिया है, मतलब 1/2 फुट के करीब डिस्टेंस लिया है एंड हम लोगों को ये एनिमोमीटर को एकदम प्लेस करना पड़ेगा इसके सेम हाइट पे, जो हाइट पर हम लोगों का फैन है तब जाके एनिमोमीटर बहुत अच्छा आपको रीडिंग दे पाएगा। तो दोस्तों अभी देखिए मैंने फैन को कर दिया ऑन, ये एनिमोमीटर में आपको रीडिंग मिल रहा होगा, ठीक है। ये अभी 1/2 फुट का डिस्टेंस में, मतलब 15 सेंटीमीटर एंड हम लोगों का जो स्पीड आ रहा है देखिए 10.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 10.8। अभी थोड़ा देखिए थोड़ा सा इसको हिलाया तो इसका चेंजेस हुआ, तो ऐसे हम लोग पकड़ेंगे इसको, तो अभी जो मैक्सिमम आ रहा है 11 या 10.5 के करीब, ठीक है। तो 10.5 किलोमीटर पर आवर हम लोगों का स्पीड हुआ एवरेज स्पीड। इसके बाद आता है हम लोग के टर्बो कूलिंग फैन, तो इसका स्पेशल शेप आप देख सकते हैं, ब्लेड देखिए बहुत ही बढ़िया टाइप का ब्लेड है एंड ये इसका थोड़ा वेट भी इससे हेवी है, ठीक है। इसको मैं पहले पावर देता हूँ, आप इसका जो स्पीड देखिए, एंड साउंड जस्ट सुनिए, तो अभी करंट मेजर करेंगे हम लोग। दोस्तों करंट कंजम्पशन देख सकते हो 1.62 एम्स, जहां पे इधर पे हम लोगों का दिया गया था 2.1 एम्स, तो उससे तो थोड़ा सा कम कंजम्पशन है मगर इसके मुकाबले इसका कंजम्पशन ज्यादा है। अब इसका एयर स्पीड मेजर करते हैं, तो आप लोग दोस्तों अभी देख सकते हो एयर स्पीड कितना आ रहा है 21.2 किलोमीटर पर आवर, मतलब हम लोग अप्रोक्स 21 पकड़ सकते हैं, 21 किलोमीटर पर आवर के करीब स्पीड आ रहा है।
तो दोस्तों अभी बात करेंगे कि रिजल्ट क्या मिला। देखिए ये वाला है नॉर्मल कूलिंग फैन मतलब इसका, और ये वाला है टर्बो कूलिंग फैन मतलब इसका। नॉर्मल कूलिंग फैन का करंट कंजम्पशन 0.46 एम्प्स, जहाँ पे टर्बो का कंजम्पशन 1.62 एम्प्स। तो फिर अगर हम लोग एक 7 इंच का बैटरी यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड वाला, तो ये वाला कूलिंग फैन अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 15 घंटे के करीब बैकअप मिल जाएगा बैटरी से। और अगर ये वाला कूलिंग फैन इस्तेमाल करते हो तो आपको सिर्फ 4.3 आवर्स से बैकअप मिलेगा, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है तो कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। एयर स्पीड की बात की जाए तो इससे आपको सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर का एयर स्पीड मिलता है। आप स्पीड्स को कंपैरिजन कर सकते हो, आपका नॉर्मल जो आप हम लोग का तूफान वगैरह आता है तो उसमें जैसा स्पीड मिलता है 50-60 किलोमीटर एयर स्पीड होता है, तो 10 किलोमीटर पर आवर इसका एयर स्पीड होगा एट ए डिस्टेंस आपका हाफ फुट मतलब 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। आप अगर डिस्टेंस को रिड्यूस करते हो लाइक 2-3 सेंटीमीटर तो ये एयर स्पीड और भी ज़्यादा हो सकता है। और ये वाला कूलिंग फैन का हम लोगों को स्पीड मिला है 21 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका करीब 2 टाइम्स ज़्यादा स्पीड मिल रहा है। ठीक है, बेस अडेप्टर की बात की जाए तो ये आपका 1 एम्पेयर का अडेप्टर से ही काम कर जाएगा, जहाँ पे उसके लिए आपको 2 एम्पेयर का अडेप्टर चाहिए। अभी बात है कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो देखिए अगर आपको कोई ऐसा आपका मशीन है जहाँ पे 24 आवर्स ही आपका कोई कूलिंग का काम रहेगा, 24 आवर्स तक ऑन रहता है, 24 आवर्स तक आपको कूलिंग का काम रहेगा कि उतना ज़्यादा कूलिंग का ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत कूलिंग हो जाए तो ठीक है, तो ये वाला आप ले सकते हो। ये आपका हार्डली 100 रुपीज़ तक में ही मिल जाता है। इसका परचेस लिंक भी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा, उधर पे जाकर आप इसको परचेस भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको लगे कि आपका हीटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको बहुत तेज़ कूलिंग की ज़रूरत है जो बहुत फास्ट आपका सामान को कूलिंग कर दे, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा लाइक 24 आवर्स में आपको 1-2 घंटा कूलिंग करना है, 3-4 घंटा करना है, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आप ये वाला कूलिंग फैन बेस्ट होगा आपके लिए। अगर कूलिंग का स्पीड आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ करना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो बाइक है उसका इंजन बहुत गर्म होता है तो कौन सा कूलिंग फैन बेटर रहेगा, ये वाला आपका बेस्ट होता है। ठीक है, ऐसा करेंगे और इसका क्या होता है, छोटे से एरिया से इतना ज़्यादा तेज़ हवा निकलता है ना, बहुत ही फास्ट कूलिंग होता है। जहाँ पे इसका पूरा बहुत लंबा जगह है तो कूलिंग पे दिक्कत होता है बहुत लंबा एरिया के लिए। तो अगर आपको तेज फास्ट कूलिंग करना है हाई स्पीड पे तो ये वाला कूलिंग फैन आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी दोस्तों इधर पे पूरा डिटेल से आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, मैंने दोनों का ही परचेस लिंक उधर पे दे दिया है। तो वीडियो कैसा लगा जैसे बताया गया, बहुत जल्दी मिलो नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय।